नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एमपी अकोमोडेशन एक्ट सेक्शन 25 देखने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि अभिधारी द्वारा जो भाड़े का निक्षेप किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन बताई गई हैं। जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बात करता है कि जहाँ भूस्वामी कोई भाड़ा जो धारा 24 में निर्दिष्ट किए गए समय के भीतर अभिधारी द्वारा निवृत्त था, मतलब जो सेक्शन 24 में बताया गया है कि अभिधारी इस टाइम के अंतर्गत क्या करेगा, भाड़ा है वो निविदत देगा, किसे देगा, भूस्वामी को। जहाँ 24 के अंतर्गत जो भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी, जहाँ सेक्शन 24 के अंतर्गत जो किराएदार है, किराएदार पैसा देने के लिए अब लाइबल हो गया है, ठीक है। अब टाइम आ गया है कि अब वो पैसा दे दे, किसको दे दे, भूस्वामी को दे दे, तो प्रतिगृहित करने से इनकार कर देता है। जहाँ भूस्वामी ऐसा किराया लेने से मना कर देता है, और दूसरी बात, यदि उसने ऐसा किराया ले लिया है तो उसके लिए जो किराया लेने के बाद रसीद देनी पड़ती है, तो रसीद देने से ऐसा इनकार करता है। और तीसरी बात बताई गई है कि यदि वास्तविक संदेह है, जो अभिधारी है किराएदार है उससे वास्तविक संदेह है कि जो किराया है वो किसे दे, तो ऐसी तीन कंडीशन में होने के बाद वो क्या करेगा, ऐसा जो अभिधारी है, अभिधारी वह भाड़ा भेद रीति में एक रीति के अनुसार क्या करेगा, वह भाड़ा भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के पास निक्षिप्त कर देगा, और ऐसा निक्षिप्त के साथ एक आवेदन लगाएगा, ठीक है। ऐसा जो पैसा है, जो भाड़ा है, वह यदि जो भूस्वामी है वो लेने से मना कर देता है, या रसीद देने से मना कर देता है, या संदेह है कि किसे देना चाहिए, तो उस कंडीशन में भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को किराएदार पैसा दे देगा। अब जहाँ पर पैसे दे दिए जाते हैं तो सब क्लॉज टू बताता है कि ऐसे पैसा देने के साथ साथ एक आवेदन भी अभिधारी द्वारा लगाया जाएगा। उस आवेदन में बताया जाएगा कि वह किस स्थान, पहला बताता है किस स्थान के बारे में वो ऐसा पैसा दिया जा रहा है, दूसरी बात करता है कितने टाइम तक के लिए, जो समय है एक महीना दो महीना, कितने समय का ये भाड़ा उस किराएदार द्वारा दिया गया है। तीसरे में ये बताएगा कि जो ऐसी कौन कौन से व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि मैं यहाँ का स्वामी हूँ और मुझे पैसा दे दो, ठीक है, उनके नाम और पते के बारे में बताएगा। चौथी बात कहता है कि भाड़ा का ऐसा निक्षेप करने के लिए आवेदन किए जाने के कारण परिस्थिति, मतलब वो ऐसा पैसा क्यों दे रहा है भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को, तो वो कारण भी बताएगा। और अन्य कोई भी जो बात है, अन्य कोई विशिष्टियां जो भेद की जाएं, जो अन्य कोई अगर बात बताई जाती है तो वह भी उसमें वह लिख सकेगा उस आवेदन में। अब तीसरी बात यहाँ पर जो सब क्लॉज थ्री है वो ये करता है कि भाड़ा का ऐसा निक्षेप कर दिए जाने पर भाड़ नियंत्रण प्राधिकारी, जहाँ की भाड़े को क्या कर दिया है, निक्षेप कर दिया है, किसके पास दे दिया है, किसके पास, आरसीए के पास दे दिया है, तो आरसीए क्या करेगा, आरसीए उस भाड़े का जो आवेदन है, जो आवेदन प्राप्त हुआ है, तो आवेदन की प्रतिलिपि या प्रतिलिपियां, जहाँ एक स्वामी है तो एक प्रतिलिपि देगा, और कई स्वामी हैं तो कई स्वामियों को, जितने लोग हैं तो उनके लिए प्रतिलिपि भेजेगा पृष्ठांकन के साथ, और भूस्वामी या भाड़ा पाने के हकदार, मतलब जो जो कोई कहता है कि हम इस भाड़ा को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, तो वहाँ पर क्या करेगा, भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी आवेदन की प्रतिलिपि भेजेगा पृष्ठांकन के साथ, ठीक है, एक स्वामी को या जितने अन्य स्वामी हैं उनको भेजेगा, वह ऋतु में भेजेगा कि यदि जो जो कोई व्यक्ति इस संपत्ति में से भाड़ा प्राप्त करने का हकदार है तो यहाँ पर आ जाए और अपना पैसा ले जाए। अब यहाँ पर सब क्लॉज फोर बताता है कि जैसे ही जो व्यक्ति हैं जो दावा करते हैं कि हम इस संपत्ति के, हम इस जगह के स्वामी हैं और ऐसा भाड़ा है जो मुझे दिया जाए, ठीक है, तो जो जो लोग आ जाते हैं तो आरसीए क्या करता है, यदि ए बी सी तीन लोग आ गए हैं तो इन तीनों को सुनवाई का अवसर देगा, और तीनों को सुनने के बाद जिसका भी, जिसको भी लगता है, भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को लगता है इनमें से जो भी हकदार है, कोई हकदार है भाड़ा पाने का, तो उस व्यक्ति को वह भाड़ा दे दिया जाएगा, ठीक है। अब जो सब क्लॉज फाइव है ये वो बताता है कि यदि जो भाड़ा दिया जाता है तो वह कितने, जो भाड़ा है वह उसे प्राप्त करने के लिए जो आवेदन है वो, देखो जैसे कि आरसीए क्या करता है कि एक प्रतिलिपि भेज देता है भूस्वामी के पास कि इस स्थान के बारे में मेरे पास जो पैसा है अभिधारी ने दे दिए हैं, जो भाड़ा है मेरे पास है, आप यहाँ से ले जाइए। फोर्थ क्लॉज ये बताता है कि वो व्यक्ति आ जाते हैं और आरसीए का समाधान हो जाता है, तो जिसके बारे में आरसीए को लगता है वो उसे दे देगा, पैसा दे देगा। अब जो ऐसा आवेदन है कि मेरा यहाँ पर भाड़ा है और मैं यहाँ का स्वामी हूँ, तो ऐसा आवेदन जो भूस्वामी है वो कितने दिन के अंतर्गत लगाएगा, तो 30 दिन के अंदर वह ऐसा आवेदन लगाएगा, जो भूस्वामी है वह ऐसा भाड़ा प्राप्त करने के लिए आवेदन 30 दिन के अंदर लगाएगा, और साथ ही साथ ये परिवाद भी देगा कि जो भूस अभिधारी है, मतलब जो किराएदार है, वो झूठ बोल रहा है, उसने जो कथन किए हैं वो असत्य हैं, भाड़ा निक्षिप्त करने के जो कारण बताए हैं उसके द्वारा वो असत्य हैं, और मेरे द्वारा ऐसी कोई गलती नहीं की गई थी जिस वजह से मुझे पैसा ना दिया जाए,
मतलब यहाँ जो भाड़ा जो स्वामी है, भूस्वामी है, वो ये बताता है कि मैं सही हूँ, और जो ये है इसने मिथ्या या तुच्छ बात थी और मिथ्या बोलकर इसने क्या किया था कि भाड़ा को आरसीए के पास, मतलब आपके पास जमा किया है। अगर अभिधारी को आरसीए का यह समाधान हो जाता है कि जो भूस्वामी है वो सही बता रहा है और जो आवेदन लगाया गया है भू अभिधारी द्वारा, जो किराएदार द्वारा आवेदन लगाया गया है वो झूठा है, असत्य है, तो वह क्या करेगा, तो ऐसे अभिधारी से 2 मास के भाड़े के बराबर ऐसा जुर्माना भी प्राप्त कर लेगा, जो 2 मास के भाड़े के बराबर रहेगा उसको जुर्माने का भी प्राप्त कर लेगा, और प्लस क्या करेगा कि उस जुर्माने में से जो भूस्वामी को प्रतिकर के रूप में जो भी आरसीए समझे तो ऐसा कोई पैसा जमा उस प्रतिकर के रूप में भूस्वामी को भी दिलवा देगा। वही बात छठवें में ये बताई गई है, जो सब क्लॉज 6 है वो ये बात बताता है कि यदि कोई गलती किसके द्वारा की जाती है, यहाँ आरसीए के द्वारा की जाती है, यहाँ पर भूस्वामी सही था, यहाँ पर आरसीए सही था, मतलब यहाँ पर भूस्वामी सही था तो पैसा किससे लिया गया था, आरसीए द्वारा लिया गया था। अब उल्टा हो जाता है, यदि अभिधारी कहता है कि भूस्वामी गलत है और भूस्वामी झूठ बोल रहा है, और यदि न्यायालय का ऐसा समाधान हो जाता है युक्तियुक्त सुनवाई के बाद कि जो भूस्वामी है वो झूठ बोल रहा है, तो न्यायालय ऐसा क्या करेगा, 2 मास के किराए के बराबर का भाड़ा जो है वो भूस्वामी से प्राप्त करेगा, और ऐसे जुर्माने को प्राप्त करने से उसमें से जो भी पैसा अगर आरसीए समझे, उचित समझे, तो प्रतिकर के रूप में अभिधारी को दिला दिया जाएगा। फिर से देखते हैं पांचवें में क्या है, पांचवें में जो भूस्वामी होता है वो सही बोल रहा होता है और जो प्रतिकर है वो भूस्वामी को दिलाया जाएगा, क्योंकि भूस्वामी सही है तो प्रतिकर भी उसे दिलाया जाएगा, और यहाँ पर आरसीए द्वारा समाधान हो जाता है कि यहाँ पर किराएदार सही है तो प्रतिकर किसे दिलाया जाएगा, किराएदार को दिलाया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।